तो मेरा ना दोस्त ये मेरे लिए आइया हर चीज में हमारी हेल्प करती है। कोई आ रहा है घर पे? 4 डे वीक कर रहे हैं जस्ट जी। हमारी डाइनिंग टेबल ना बिल्कुल स्क्रैचलेस है। बट मेरा कैसे हो आप लोग सब? आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग समर एज मच एज वी आर डूइंग। वी आर रियली रियली एंजॉइंग आवर ब्यूटीफुल शॉर्ट लिव्ड समर, क्योंकि थोड़े से दिन होते हैं एंड यू नो यू गॉटा एंजॉय। आपको हमेशा लगता है कि पता नहीं कितने दिन और है, व्हेन द वेदर विल चेंज, व्हेन द लीव्स विल फॉल। इट्स ऑलमोस्ट वीकेंड एंड वेदर देख लो, पीछे विंड्स बहुत तेज चल रही हैं एज यूजुअल। प्रेरीज की सौगात, हमेशा ही यहाँ पे तो विंड गस्ट 30-40 से कम होती ही है। आज हम सोच रहे हैं शाम को फायर पिट करेंगे, लेकिन वेदर अगर ऐसा हुआ तो नहीं करेंगे। एयर क्वालिटी वार्निंग आई हुई है। द वेदर इज अ लिटिल स्मोकी साइड पे, पता नहीं क्यों। मे बी देयर इज अ वाइल्ड फायर गोइंग ऑन इधर उधर। बस मेरा वर्किंग डे था, अब खत्म हुआ है, तो आई एम जस्ट बैक इन द किचन। सुबह से कुछ नहीं काम किया, आज बहुत बिजी दिन था। यूजुअली मैं नाश्ते के बाद काम सफाई सफुई कर देती हूँ साथ ही जैसे जैसे ब्रेक पे जाती हूँ, लेकिन देखो डिशेज पूरी भरी पड़ी है। एंड आर्या इज एंजॉयिंग। आर्या, क्या किया आज आपने सारा दिन? So first I did some math and then it was lunchtime and then I did more math and then I did piano just now and now I'm looking at my phone. भाई आर्या अपना समर अपने हिसाब से, अब बच्चा बड़ा हो जाता है ना तो अपने हिसाब से एंजॉय करना पसंद करता है। आज ये दादू दादी के घर नहीं गई। यूजुअली आई स्प्लिट आवर डे इन अ मैनर की सारा दिन वर्क फ्रॉम होम अगर मुझे करना हो, आई कांट कीप आर्या बिजी। आर्या की फ्रेंड्स व्रेंड्स भी गई हुई हैं इधर उधर, लेक पे, कोई ग्रैंड पेरेंट्स के घर, कोई टूर ट्रिप्स बनाया हुआ है समर की हॉलीडेज में। लेकिन हम यूजुअली आर्या के ना प्ले डेट्स करते रहते हैं फ्रेंड्स के साथ आसपास जो नेबरहुड में है, लेकिन सारे कहीं ना कहीं अभी फिलहाल इस 1-2 वीक्स के लिए गए हुए हैं। तो आर्या चली जाती है सुबह दादू दादी के घर एंड आई लीव हर देयर एंड देन शी कम्स बैक बाय लंच टाइम। तो पापा के साथ जाके पार्क में थोड़ा सा खेलती है, चिल आउट मारती है और फिर उसके बाद आई गो एंड पिक हर अप। देन भी माँ बेटी हम दोनों मिलके लंच करते हैं दोपहर को। उसके बाद आई एम बैक टू वर्क, जैसे कि मैथ करती है थोड़ा सा, हम वर्कशीट्स प्रिंट करके आर्या को दे देते हैं, आर्या वो करती है, रीडिंग करती है थोड़ी सी देर, टीवी भी देखती है, हर एक्टिविटी थोड़ी थोड़ी देर करती है तो निकल जाता है टाइम। तो आज आर्या गई नहीं पापा मम्मी के घर, क्योंकि शी इज लाइक आज मेरा मन नहीं है, तो अपनी मर्जी है, नहीं गई। लेकिन आज क्योंकि ऑलमोस्ट वीकेंड है, इट्स अ थर्सडे इवनिंग, तो हमारा मन है कि फायर पिट कर लेंगे तो उनको बुला ही लेंगे, तो इसी बहाने मिलना भी हो जाएगा। तो जज जी आने वाले हैं। जज जी वुड हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, इट्स 4 o'clock, तो मस्ट बी ऑन हिज वे। आ जाएंगे और आधा पुणे घंटे में एंड देन शाम को सपर करेंगे एंड अपनी इवनिंग बिताएंगे। बस फिलहाल तो यही हो रहा है, मैं फटाफट निपटाती हूँ काम एंड देन लगते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट पे, विच इज कुकिंग डिनर। डिनर में क्या बन रहा है पता नहीं, अभी फिलहाल सोचते हैं क्या खाना है आज। टिक्की बर्गर, ये तो बहुत ही आसान है। तो इन्होंने सोचा हुआ है कि टिक्की बर्गर खाना है, फटाफट बन जाएगा वो। तो थोड़ा सा हम कॉन्टिनेंटल टाइप कर लेते हैं, रोज रोटी सब्जी रोटी बना के ना दिल भी ऐसा हो जाता है कि मन ही नहीं करता खाने का। तो फॉर अ चेंज वी फील लाइक थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। कभी केसीडिया बना लेते हैं स्टफिंग करके कुछ, कभी हम बनाते हैं बर्गर टिक्की, साथ सूप चल जाता है और फिर फॉलोड बाय दैट इन आवर इवनिंग व्हेन वी डू द बाइकिंग सेशन, देन वी कम बैक एंड ईदर ड्रिंक ठंडा दूध या फिर कुछ आइसक्रीम वगैरह खा लेते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज बर्नआउट करके आ रहे होते हैं कैलोरीज। तो बस यही चल रहा है, फटाफट काम करते हैं। तो जी इसी बात पे जज जी आ गए हैं, काम कर रहे हैं आतसार। एक्चुअली ना मैंने दोपहर को ना पूरा गराज क्लीन करा था, तो सारे जो बॉक्सेस आते रहते हैं ना अमेजोन के, वैसे पार्सल्स वगैरह, तो वो सारे ऊपर से इधर से हर जगह से निकाल के इधर फेंक दिए थे। तो जस्ट जी इज नाउ कटिंग देम शॉर्ट एंड पुटिंग देम इन रिसाइकल। तो जी आर्या अपना न्यू केस आपको दिखा रही है। आर्या के पास ना मेरा पुराना वाला S20 है जो मैंने आर्या को दे दिया है, तो आर्या जस्ट एंजॉयज। इट्स नॉट लाइक अ सिम और एनीथिंग इन देयर, जस्ट जब इंटरनेट होता है तो आर्या लाइक्स टू सी कभी। तो आर्या आपको केस दिखा रही है फोन का। तो ये नया केस आया है आज ही। न्यू केस एंड इट हैड डायमंड ऑन द साइड। ये दिखाओ, दिख नहीं रहा। एंड इट हैड डायमंड। तो ये देखो सुंदर लग रहा है ना चारों तरफ। रिंग, यू कैन पुट दिस इन योर नेक। But if you don't like putting it in your neck or anything, and if you don't want to right now, then here with this, you can hold this. It'll press off, and then you don't need the string, and you can just hold it with your phone. Yeah, that's cool. हाँ जी जजी, कुछ कह रहे थे आप? खाने पीने का सामान गराज में हमेशा अवेलेबल है। दिन खत्म हो गया है, वीक खत्म हो गया आपका तो। Somebody has a day off tomorrow. Somebody. It's the third Friday. लगातार 4 डे वीक कर रहे हैं जस्ट जी, सिर्फ 4 डे। मैं सोच रहा हूँ अगले हफ्ते भी ले लूं। ले लो भाई, ले लो, छुट्टियाँ बहुत है। समर में हर फ्राइडे ऑफ। हाँ, एक अगला फ्राइडे है बस। हाँ। जाना है, उसके अगले फिर मेरा ईडीओ है। ओ 5-6 वीक्स हो जाएंगे, 4-4 डे 4 डे वीक करते हुए। ओह माय गॉड, somebody is getting way too lucky, but somebody is not. बट मेरा वर्क फ्रॉम होम है, सो आई डोंट वांट टू कंप्लेन। सफर की तैयारी चल रही है। कोई आया मेरी पुरानी बाइक लेने। Bike service and then many people will show up like that. Okay. Yeah. Okay. Take care. Bye. ले गया अब मेरी पुरानी बाइक, ले गया कोई। पुरानी बाइक गई। So that's अब नई आ गई है। So I've outgrown the old bike. Actually उसमें काफी सारे, अब तीनों की नई बाइक। हाँ। ये बड़े दिन से लेनी रही थी क्योंकि ये कहती है मैं सबसे कम चलाती हूँ। बात भी सही है, ये कम चलाती है क्योंकि ना ये बिजी इतना होती है। तो लेकिन अब इसने पॉइंट बनाया, पिछले 5-7 दिन से लगातार चला रही है। तो ये लोग देख नहीं सकते, ये कहते हैं मम्मा जानिया अब तो लगातार चला रही है, यू डिजर्व अ न्यू बाइक, जस्ट लाइक वी गॉट अ न्यू बाइक, यू शुड गेट अ न्यू बाइक टू। क्योंकि अब वर्क फ्रॉम होम होने के बाद ना आई हैव स्टार्टेड टू टाइम मैनेज थिंग्स वेल। तो शाम में टाइम होता है तो चली जाती हूँ मैं तुम लोग के साथ। एंड लाइक उसकी ना एक्चुअली ब्रेक्स में दिक्कत होने लग गई थी, और थोड़े से वो उसकी भी हैंडल निकल आते थे ना बाहर, मुठ्ठे निकल आते थे। पुरानी थी, काफी पुरानी, हमने पुरानी ही ली थी मार्केट प्लेस से। तो चलो हो गया काम, निकल गई। चलो तो जी हम अपना रसोई समेट के सारी आ गए हैं, थोड़ा सा अपना घर को संवारने। यहाँ के सारे कुशन कवर बदले हैं, मतलब बदल रहे हैं अभी, ये देखो। सो अभी आर्या इज हेल्पिंग मी। सो ये पुराने वाले थे, दोज आर गोइंग इन वॉश, एंड देन ये सारे आर्या बदल रही है, मेरे को हेल्प कर रही है। हो गया है सारे कुशन कवर सेट, यहाँ का पूरा सेटिंग हो गई है, सोने सोने कुशन कवर लग गए हैं। अब हम जा रहे हैं यहाँ पे, ये मैं लाई थी इंडिया से जो टेबल क्लॉथ कवर है, बड़ा ही विंटेज और ऑथेंटिक सा लुक है। तो लेकिन अब हम बोर हो गए हैं इससे, तो थोड़ा सा चेंज करा जाए। सो आई एम ट्राइंग समथिंग न्यू, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। अभी आपको दिखाती हूँ। इस बार ना हम क्लियर वाला टेबल क्लॉथ बिछा रहे हैं। सो बेसिकली वी इट्स नॉट लाइक इट्स बेयर, पूरी डाइनिंग टेबल की फिनिश भी दिख रही है। हमारी डाइनिंग टेबल ना बिल्कुल स्क्रैचलेस है, बट मेरा मन नहीं करता इसको ऐसे खराब करने का। रोज हम यहाँ पे बैठ के खाते हैं पीते हैं, सो खराब ना हो जाए फिनिश। सो समथिंग टू प्रोटेक्ट, ओकेजन में कभी उतार दो, बट वैसे रोज के लिए तो इट ऑल्सो विल लुक नाइस, एंड एट द सेम टाइम यू नो फिनिश भी दिखेगी वुड के नीचे। तो ये अपने आप थोड़ी सी ना ठीक हो जाएंगी। आई डोंट वांट टू गिव स्टीम या कुछ करके भी, इसके सारे दाग निकल जाएंगे। आर्या कहती है न्यू शीट्स बिछानी है। यूजुअली आई डोंट पुल दीज आउट बिकॉज दे आर काइंड ऑफ नाइस एंड फैंसी, एंड रोज में नहीं चलती। बट फिर आर्या कहती है यही वाली लगानी है मम्मा, लाइक ओके वट एवर लाडो सेज, लेती रहती हूँ ये अंदर बाहर वाले लोगों के लिए। घर के फ्लावर्स की तो बात ही अलग है, वही मैंने लगा दिए थे, अभी भी फिलहाल ब्लूम कर रहे हैं। तो आप बताना कैसी लगी आपको डाइनिंग टेबल अब ये नए कवर के साथ। डिनर की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है, बन टिक्की जैसे हमें हुक्म हुआ है आज डिनर का। आर्या इज हेल्पिंग मी आउट पुटिंग चटनी ऑन द ब्रेड, एंड ये घर की चटनी देख लो कितनी स्वाद है। घर की खाना नहीं है ये, देखो चटोरी खाती है साथ साथ चटनी। तो पुदीने की चटनी लगा रही है, यहाँ पे मैं अपनी सारी सब्जियाँ काट रही हूँ, एंड देन विल जस्ट लेयर इट अप। टिक्की भी बन गई होगी इसमें एयर फ्रायर में ऑलमोस्ट। सो करारी करारी टिक्की लगाएंगे, प्याज काटने हैं, फटाफट काटते हैं, एंड देन चटनियाँ लगाएंगे। या दैट्स इनफ, नो दैट्स फाइन। एंड देन चटनियाँ लगाएंगे, जस्ट जी लगाते हैं हॉट एंड स्वीट, जिसमें थोड़ी सी मिठास और मिर्ची दोनों होंगी। मैं तो ये साथ में लूँगी केचप, एंड ये भी साथ में यूस, एंड देन आर्या सिर्फ पुदीने की चटनी लगाएगी। फाइनली भूख बड़ी तेज लगी है। आज बर्गर है, आपको पता ही है, वेजी बर्गर, ये हैश ब्राउन। आइया बर्गर एक खा रही है, हैश ब्राउन एक्स्ट्रा खा रही है, और हम 2-2 बर्गर खा रहे हैं। ये पेप्सी किसकी है? आइया पी रही होगी। और ये थोड़ा सा अलग अलग लग रहा है, मतलब ये इसको मोम जामा क्लियर बिछा दिया नया। क्लियर हमें लगा आपको थोड़ी सी वुडन टेबल की फील आएगी। नहीं मेरे को चाहिए नहीं थी, क्या इतना खेचल क्यों की तीजे? कोई बात नहीं। ओह थैंक्स फॉर गेटिंग द चिप्स। ओके आई जस्ट पिक्ड अप अ रैंडम वन। ओके ये सारे पड़े थे नीचे दो, तो फिर नहीं मेरे को कह रही है ये लाइटें देखी, मैं कहा मैं देखा ही कोई नहीं। ये लाइटें भी जल रही हैं आज, कोई आ रहा है घर पे? नहीं कोई नहीं आ रहा। तो ये क्या हो रहा है, ये लाइटें जल रही हैं, नया ये बिछ गया, ये वो मतलब इसको ये बदल गया, ये भी ये शीटें भी बदल गई। क्या हुआ है आज? मन कर रहा है मेरे को भी ला दो आज, मतलब मेरे को समझ नहीं आई हुआ क्या आज। अब नया घर पे बैठेगी तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, तो थोड़ा घर में हमेशा दे देते स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। मैं तो घर आके बस ये देखता रहता हूँ कि ये क्या कितने का आया होगा, अभी अभी लेके आए होंगे जाके। ये थे हमारे घर पे चीजें के अच्छा। दोनों मावतियाँ निकल जाती हैं लंच टाइम में, कहीं जाती हैं, मेरे को पता चलता नहीं क्या हो रहा है घर में। क्या कैमरे पे देख लेता है कि नहीं, वो नोटिफिकेशन आ जाती है, वो कैमरे की नोटिफिकेशन आती है, जैसे गाड़ी निकलती हुई दिखी जाती, देखते हैं हम तो, और वापस आते हुए दिखती है हमारे को, समझ लगती है हो क्या रहा है। चलो क्या कर सकते हैं, तो चल रहा है। आपके पैसे नहीं लग रहे, आप खुश रहो ना। पैसे क्या पता, पैसे किसी के तो पैसे लग रहे हैं, मतलब मैं अपने क्रेडिट कार्ड देख के खुश हुई जा रहा हूँ, पता लगे किसी और का क्रेडिट कार्ड का जब बिल आएगा तभी पता चलेगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, आपको बिल्कुल बेफिक्र होकर एंजॉय करिए। अच्छा हाँ। चलो जी अब मतलब गंदा वंदा हो गया तो किसी ने आना है, क्या चक्कर है, बैठ सकते हैं। मेरे को मैं सोच रहा हूँ अखबार बिछा लूँ मैं। नहीं यार ऐसे मेरे को लगता है ऐसे नई नई चीजें बिछाई हुई है, मतलब थोड़ा मैंने कहा भूल गए होगे, हमारे पास ये लकड़ की टेबल है। नहीं मेरे को तो शौक ही नहीं था देखने का, हमें तो टेबल पे खाना आता है ना उसकी ज्यादा शौक होता है हमें, प्रेजेंटेशन फीलिंग भी कुछ चीज होती है। ओके क्या हो रहा है ये, मेरे को थोड़ा घबराहट हो रही है, मेरी भूख खत्म होती जा रही है, ये सब क्या हो रहा है आज जी। आपका पता लगे घंटी बजेगी, अभी कोई आने वाला है मेरे को लग रहा है। ग्लासेस 3 ही प्लेटें हैं, 3 ही सब कुछ आया है, क्या चक्कर है आज मेरा घर ना होने से। अच्छा फील अच्छी फील नहीं आती, अजीब सी भूख लग जाती है जब ऐसे प्रेजेंट। नहीं मैं घबरा के थोड़ा, मेरी तो भूख मर जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, डरते पे हो तुम। ओके तो जी रोटी पानी खा के ये दोनों कर रहे हैं विश्राम, और सफाई सफाई हो गई है सारी, ऑल गुड, सब कुछ डन, घर साफ सुथरा हो गया। एंड अब हम जाएंगे मम्मी पापा के यहाँ थोड़ी देर में। तो जी बाहर आ गए हैं खाना खुना खा के, जस्ट जी ऊपर हैं, ऊपर थोड़ा सा काम कर रहे हैं, टीवी का थोड़ा सा हुकअप कर रहे हैं, केबल बॉक्स, नया केबल बॉक्स लगा रहे हैं। मैं आ गई हूँ बाहर, जब तक मैं और आर्या, कल हमने एक्चुअली ना एक गाड़ी क्लीन कर दी थी, अपनी किया वैन हो गई थी, आज करेंगे ब्यूइक, क्योंकि ना वैक्यूम करते रहो ना तो एंड थोड़ा सा टचअप करते रहो तो गाड़ी साफ सुथरी रहती है, ज़्यादा गंदी होती नहीं है। वी टेक केयर ऑफ इट यू नो बाय गेटिंग रिड ऑफ ऑल द ट्रैश एवरी वंस इन अ वाइल। सो बस फटाफट क्लीन कर लेते हैं, टाइम यूज़ हो जाएगा, फिर जाएंगे मम्मी पापा के घर। तो ना यही डाइसन वाला जो हम अंदर यूज़ करते हैं ना, उसी की डिफरेंट अटैचमेंट्स हैं क्विक क्लीन अप करने के लिए, तो वही लगा रही हूँ फिलहाल। ऑल गुड, लेट्स गो। मैंने आर्या को बोला है शुड आई हेल्प, तो कहती है ओह नो वे, नो वे मॉम, गेट अवे। बताओ यार मेरी तो मौज हो गई, मेरे को तो काम ही नहीं करना पड़ रहा, लाडो काम करने पे लगी हुई है। मैंने कहा थक जाएगी, कहती है नो। तो चलो अच्छा, समर हॉलीडेज का कोई तो सुख हुआ मानू, बहुत प्यारा बच्चा है मेरा, रियली वी आर वेरी ब्लेस्ड। आर्या लगी हुई है क्लीन करने। यू स्टार्ट वाइपिंग? थैंक्स, आई विल डू द बैक। ओके इसकी ना लेदर सीट्स हैं तो ये फर्स्ट क्लास वाइप मारो क्लीन हो जाती है, बेबी वाइप बेसिकली। ये तो किया में तो हम कपड़े, हाँ फैब्रिक वाली है ना। किसी ने ना सही कहा है कि जब बच्चे बड़े हो जाए ना दे बिकम योर कंपेनियन, हेल्प। आर्या इज जस्ट लाइक दैट, आर्या हर चीज़ में हमारी हेल्प करती है एंड कोई बात नहीं, हमें हर चीज़ में हेल्प करती है। It's so nice to see her growing up and becoming so mature and so responsible. Helping hand बन गई है हमारी। कितना अच्छा से क्लीन, बहुत अच्छा क्लीन होता है इससे। मैं ना मैट्स नहीं धो रही क्योंकि इतनी गंदी नहीं है, लेकिन बस हल्का हल्का टचअप करके एक बार क्लीन कर दो और नए नए फ्रेशनर्स लगा दो गाड़ी में तो गाड़ी महक जाती है, बिल्कुल सुंदर सुंदर हो जाती है, इतनी गंदी नहीं है गाड़ी। तो अभी वॉश नहीं करने की जरूरत, तो जब वॉश करेंगे तब मैट्स भी धो दूंगी। रोटी खा ली है, गार्बेज फेंके और फिर ना थोड़ा जा रहे हैं। वैसे तो हम रोज जा रहे थे बाइकिंग करने, लेकिन आज थोड़ा स्मोकी हुआ पड़ा बहुत ज़्यादा, देखो कितना सन भी कैसे दिख रहा है, बेचारा स्मोक है बिल्कुल उसके आसपास। मतलब सन के सामने आगे वातावरण में स्मोक की वजह से तो अजीब लग रहा है बड़ा। तो इस वजह से हम आज बाइकिंग नहीं कर रहे, बाहर नहीं आउटडोर्स रह रहे, क्योंकि फिर तुम इनहेल करते हो। स्मोकी एयर इनहेल नहीं करनी चाहिए, अच्छा नहीं है। वेदर क्वालिटी स्टेटमेंट आई हुई है, इस वजह से आज हम बाइकिंग नहीं जा रहे। नेहा बड़ी अपसेट है कि बाइकिंग क्यों नहीं जा पा रहे। गाड़ी की चाबी, जो बंदा सारा दिन वर्क फ्रॉम होम करता है। हाँ, गाड़ी की चाबी। I thought you got it. तो मेरा ना दोस्त ये मेरे लिए रोम से लेके आया है, ऑफिस के दोस्त एक गया था घूमने, ये रोम से मेरे लिए लेके आया की चेन।